हेलो, मैं ना क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, अब है ना मेरा 12th है इस बार, तो ना अब लास्ट टाइम तो बचा ही है तो फेयरवेल पार्टी है। फेयरवेल पार्टी के बारे में साड़ी पहननी है, क्योंकि सबको पता होगा कि 12th में साड़ी ही पहनते हैं। तो अब साड़ी के लिए ये दीदी वहाँ से इनके पास कोई साड़ी नहीं है, वैसी है सब सितारों वाली। अब मैं सितारों वाली साड़ी थोड़ी पहन के जाऊँगी स्कूल में, मुझे चाहिए बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल प्लेन साड़ी। तो अब एक ही रास्ता बचा है, बस एक ही जना है जो हमें साड़ी दे सकता है, वो है हमारी भाभी जी। तो हम जा रहे हैं भाभी के पास, मतलब ताऊ जी के घर। तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगी, अगर मुझे साड़ी पसंद आई तो मैं ले लूँगी, वरना मैं तो इन्हीं के भरोसे हूँ, यही दिला के लाएंगी बाजार से, मुझे ना पता है नहीं, अगर पसंद आ गई तो सही है, वरना ये दिला के लाएंगी। अब ये सब है ना, ये फेयरवेल वाला काम ये इनके ऊपर डाल दिया मैंने, यही रेडी करके, यही तैयार करके, यही सब कुछ करके भेजेंगी मुझे। अगर मैं ख़राब लगी और इन्होंने साड़ी ना दिलाई अच्छी, तो है ना ये वीडियो ना बनाएंगी, चैनल बंद। अरे यार शांत कैसे बैठी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आज शांत कैसे हैं? ओ भाई यार शांत इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यही एरिया, यही रास्ता हमने 10 बार दिखा दिया। लो ये इसलिए शांत बैठी है, मैं अपनी बकवास करे जा रही हूँ, आपको एरिया देखना है। अरे आप मेरी बकवास सुनो कि फेयरवेल पार्टी आ रही है भाई, फेयरवेल पार्टी में भी तो अच्छा लगेंगे, नहीं लगेंगे हम? फेयरवेल पार्टी चलो कमेंट में बताओ मैं कैसा लुक क्रिएट करके जाऊँ फेयरवेल पार्टी में। जिसने कमेंट पे बताया कि फेयरवेल, जिसका पहला कमेंट हुआ ना कि फेयरवेल पार्टी में ऐसे जाओ बन के, है ले ये तो ऐसे करी कमेंट, आज इन्हें दिखाई दो पूरा कमेंट सेक्शन भर दो कमेंटों से, कह रही हमारी वीडियो में कमेंट ही नहीं आते, आप कमेंट सेक्शन भर दो, भर बिल्कुल है ना, सही है, प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन भर दोगे। आप जैसे कहोगे ना, जिसका पहला कमेंट रहा है कि साड़ी ऐसे पहन के जाओ, ऐसे करके जाओ लुक, मैं वैसे ही करके जाऊंगी, और अगर नहीं आया तो फिर तो ये दीदी मास है, इनकी मर्जी से आएंगे जैसे ये कहेंगी। ताऊ जी के घर जा रहे हैं हम पहुंच गई ताऊ जी के घर। तो ले ये तो यहाँ ही प्याज पूछने बैठी हुई है, भगवान प्याज लो, सब्जी वाले भैया होता है, ये भी बहुत जरूरी काम है। चलिए इनकी माँ के लिए ले लिया हमने तोहफा प्याज होश नहीं है प्याज है। और इससे एक और फायदा है, अगर प्याज होती है ना तो बुरी बलाएं नहीं आती हैं पास में, कुछ भी ये कुछ भी बोलाएं क्या इनकी सुनना है, क्यों होता नहीं है ना बुरी बलाएं पास नहीं आती, वो अलग सीन होता है। अब तो पैदल जाओ, हम स्कूटी से जा रहे हैं। हाँ ठीक है, भरी गई पहले और कितनी चालू पहना है तो देख लो, पैदल जाऊंगी मैं, हूँ मैं ऐसी। पहले हम इस पार्क में खेलने आते थे जब हम छोटे बच्चे थे, देखो ये यहाँ बैठा है, हम आ गए ताऊ जी के घर। चलिए गेट है अभी बंद, हाँ तो वापसी चले, खुला है वापसी चले, वापसी ये ताऊ जी की कुर्सी, ताऊ जी पता नहीं कहाँ है, हम भी हैं जोश में बातें।
किसी पर होश में कुछ भी कुछ यूं ना आंखें दी। ये हम शोर इसलिए मचा रहे हैं कि जो इस घर में सो रहे हों वो उठ जाएं। इग्नोर, इसलिए मच रहा है इतना शोर। इग्नोर इग्नोर करो बच्चों, इग्नोर करो दीदी को, इग्नोर करो। भाभी हैं, भाभी नमस्ते। नमस्ते। ओ, जब भाभी से साड़ी लेने आई है तो बहू वाली तो होंगी। इसको इतनी सुंदर साड़ी दिखाई है भाभी ने ये, और देखो ये भी साड़ी कितनी सुंदर है। लेकिन इनकी मैडम की डिमांड पता नहीं कैसी है। क्या चाहिए तेरे को ऐसा? ये अच्छा लग गया। इस पे ब्लॉक्स कौन सा चलेगा? कोई भी चल जाएगा। इस पे तो कोई भी कलर का चल जाएगा। मेरे को डार्क कलर चाहिए। डार्क? अभी ग्रीन दिखाया तो ग्रीन नहीं चाहिए। तो ग्रीन तो बहू पहनती है ना। लो इनसे सुन लो बात, बहू पहनती है। तो मैं कौन, लड़की? अभी भाभी से साड़ियां मांगने आई है। ऊपर जो ऊपर दिखा दे, ऊपर एक ऊपर जो मैंने जागरण में पहनी थी, येलो रेड। मैं जागरण की और ना। चलो फाइनली भाभी इसको अपना कलेक्शन दिखा रही हैं। चल बस निकालो, मत ऐसी ऊपर ऊपर से निकाल लो। भाभी का ना पूरा अलमारी पूरा सब खुलवा दिया, लेकिन मैडम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखना कितनी साड़ी खुलवाई है तूने। ना रेंदो रेंदो रंग दो बस बंद कर दो। इतने अच्छे-अच्छे कलर दिखा रही हैं भाभी, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा। ये साड़ी तो दे दो यार। और ये देखो खुद पहन नहीं रही है। इसमें इसको ये प्लेन भी दिखाया है और इसको वो प्लेन भी दिखाया है, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। पूरा कलेक्शन इसने भाभी का पूरा कलेक्शन खुलवा दिया है इसने। सुन ये वाली साड़ी थोड़ी लहंगा साड़ी तरह बन सकती है। ये तो तुम लहंगा साड़ी बना लो, बेल्ट वगैरह लगा लो। और यहाँ पे देखो सर्दी का मौसम लेते हुए हमारी छुटको कर रही है पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं रहा। हेलो कर, हेलो कर। हम निकल गए हैं ताऊ जी के यहाँ से, क्योंकि ना मेरे को ना भाभी के पास साड़ी ऐसी है, मतलब क्योंकि वो देखो एक तो बहू हैं तो अपने वो अपने हिसाब से लेंगी, मेरे हिसाब से थोड़ी साड़ी लेंगी, तो वैसी है मतलब रेड येलो वगैरह, और तो वो तो मैं पहन नहीं सकती क्योंकि फेयरवेल पार्टी है भाई स्कूल में, सब लड़के इतनी अच्छी अच्छी बन के आएंगी। तो मैं सब ने मेरे को सब ये कह रहे हैं कि तू ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन अच्छी मिलती हैं। तो आप कमेंट में बताओ ऑनलाइन अच्छा प्रोडक्ट आता है या बेकार। वैसे तो मैं ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ऑनलाइन एक बार मंगा के देखती हूँ, अगर अच्छी मिली तो सही है, वरना फिर बाज़ार जाऊँ। देखते हैं, अगर मैं बाजार गई तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी। ऑनलाइन मंगाई तो देख लेना, मैं फेयरवेल पार्टी में पहनूँगी तो भी ब्लॉग शूट करूँगी फेयरवेल पार्टी का। अगर किया तो मैंने स्कूल में फ़ोन अलाउड हुआ तो के ब्लॉग शूट कर सकते हैं, तो दिखाऊँगी मैं आपको फेयरवेल पार्टी कैसे होती है, क्या होता है, क्या क्या होता है ना। तो बाय फैमिली। तो जाते हुए क्या करना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ यार। कमेंट करो, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट करो ना यार प्लीज़।